दिल्ली, जिसे दिलवालों का शहर कहा जाता है। ये रास्ते भले ही पुराने हैं, पर इन्हें देखने का नजरिया बिल्कुल नया है। तो ये कहानी है मेरी, ओ सॉरी माफ करना, हमारी, हम सबकी। तो चलो सुनते हैं फिर ये कहानी। तो अपने बुक का पहला चैप्टर लिखने के लिए हम आ गए एक प्लेस पे। इस प्लेस की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप जरूर चेकआउट कर लेना। यहाँ से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। स्टोरी कुछ हम बनाते हैं और कुछ अपने आप बनती है। ऐसे हम सबकी लाइफ में एक स्टोरी जरूर होती है जिसे हम रोज जीते हैं। ऐसे ही ये हमारी स्टोरी है। हमें न्यू प्लेसेस पे जाना, उन्हें एक्सप्लोर करना और उनकी खूबसूरती को कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मोमेंट्स ही तो हैं जो बाद में यादें बन जाती हैं। तो जब भी टाइम मिले निकल पड़ो अपनी स्टोरी बनाने, क्योंकि लाइफ इज लिमिटेड। हर किसी की स्टोरी में एक वर्ड जरूर कॉमन होता है, वो है इंतजार। किसी को कुछ ठीक हो जाने का इंतजार है, तो किसी को किसी के लौट आने का इंतजार है। ये वर्ड ही तो है जो हर किसी के स्टोरी में ड्रामा, इमोशन एंड थ्रिलर क्रिएट करती है। जिस स्टोरी में इंतजार ना हो, वो स्टोरी स्टोरी नहीं होती। इन सबसे परे एक वर्ड ऐसा है जो हर किसी के लाइफ में जरूर होता है, वो है दोस्ती का। बिना दोस्त के लाइफ इनकम्प्लीट सी होती है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं सबसे पहले अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे मिले या ना मिले, लेकिन उनसे शेयर करने के बाद प्रॉब्लम छोटी जरूर लगने लगती है। शायद इसलिए ही फ्रेंडशिप को एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये रास्ते भले ही हमारे लिए नए हैं, पर ये जरूरी नहीं हर नए रास्ते पे इंसान खो ही जाए। कभी कभी बस चल पड़ना चाहिए, क्या पता कोई खूबसूरत सा व्यू आपका इंतजार कर रहा हो। कभी कभी ऐसे पीसफुल प्लेसेस पे अकेले बैठना और किसी के साथ की गई बातों को याद करना अच्छा लगता है, क्योंकि स्टोरियां ऐसे ही तो चलती हैं और कभी कभी वक्त के साथ स्टोरियां भी बदलती रहती हैं, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और उस स्माइल को एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। स्टोरी सुनते रहोगे या व्यू भी एंजॉय करोगे? दिए हमने बहुत सारे, बाकी स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे। ये स्टोरी यहीं तक थी।